अच्छा अभी इतना मायूस हुआ ही वो अब तो दिमाग के जब ये आउट हो रहे थे मैं लाहौर कलंदर को जानते ही नहीं हूँ कौन है। मेरा पास मेरे हाथ में है आज जो मैच है वो है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का। लाहौर 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 नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। तो भाईजान आज दोबारा से एक दफ़ा फिर आपका भाई मैच देखने पहुंच चुका है। इससे पहले भी जो मेरा लास्ट व्लॉग था मैं फातिमा के साथ जो है मैच देखने आया था, आज फिर अचानक फातिमा ने कॉन्टेक्ट किया कि मेरे पास पासिस आए हुए हैं और मैं जो तुम्हारा पास है वो ऑफिस रख के जा रही हूँ, जल्दी से फ्री होकर जो है वो मैच देखने पहुँच जा रहा। फातिमा जो है यहाँ पे आई गई अपनी फैमिली के साथ अंदर आई हुई और मेरा पास मेरे हाथ में है आज जो मैच है वो है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का, वो भी मुझे अभी आके पता चला है। और जो है ये भी VIP पासिस हैं और अब्दुल कदीर जो इंक्लूजर है वहाँ पे जाना है और ये 7 बजे मैच शुरू होना है, तो मैच शुरू होने वाला है अंदर चलते हैं और देखते हैं कि फातिमा साहिबा आज क्या रोले डालती हैं, कौन जीतता है, लाहौर जीतेगा कराची जीतेगा। भाई बाय द वे मैं आज लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूँगा क्योंकि हम लाहौरी हैं, तो आज लाहौरियों को जो है लाहौर कलंदर की टीम को सपोर्ट करेंगे और अंदर जाते हैं देखते हैं क्या सीन है। आखिर ही होगी, इतना रश था बाहर, इतना रश था, कोई मुझे 25 से 30 मिनट लग गए अंदर आते आते और मैं गलत गेट से शायद एंटर हो गया हूँ। मेरा जो गेट है वो है 4 अब्दुल कादिर इंक्लोजर, तो ये मेरे बिल्कुल पीछे रहा, बाकियों में बहुत ज़्यादा रश है, ऐसा लग रहा है पूरा लाहौर आज मैच देखने आ गया। अंदर चलते हैं, फातिमा के बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं कि मैं आ गई हूँ अंदर, आ गई हूँ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, अब अंदर चलते हैं। नहीं जी, फाइनली काफ़ी खुआरी के बाद हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम में और अंदर लाहौर कलंदर और कराची का जो चल रहा है मैच। हाँ जी, फाइनली फातिमा में मिल चुकी है अपनी फैमिली और कजन के साथ आई हुई। नाम ये किसका? कजन है, क्या नाम है इसका? क्या जारियान। जारियान भाई कैसे हो? ठीक। कराची को सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, लाहौर को। यार क्यों यार? अच्छा अभी इतना मायूस हुआ ही वो अब तो दिमाग के जब ये आउट हो रहे थे मैं लाहौर के लंदर को जानते ही नहीं हूँ कौन है। अच्छा, अब वो इतना कराची की तरफ हो गया था। हाँ, वो कहते मैं जानते ही नहीं। अच्छा, आज क्या सीन है, आज किसको जिता रही हो? उस दिन भी फिल्में चला रही थी कराची पिशावर जीतेगा, कराची जीत गया था, आज कौन जीतेगा? लाहौर चाहे ना हो जाए, आज लाहौर भी जीतना चाहिए। कराची वाले कितने हो गया स्कोर? ठीक है, और इन्होंने विकेट लिए मेरे ख्याल में 6 और इनका कमाल की इनकी इनिंग चल रही है। अब सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रही है, लेट्स सी के क्या स्कोर होता है, क्या कैसा मैच रहा फिर, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है। अब पक्की बात है, क्या लग रहा है लाहौर जीतेगा? जीतेगा। एंजॉय कर रही हूँ मैच को? बहुत ज्यादा। तंग तो नहीं कर रही बात माफी? बहुत कर रही है। तंग कर रही है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तंग कर रही है। एंजॉय कर रही है। मैच अब शुरू होने वाले हैं और देखते हैं जी आज कौन बाजी लेते हैं। हाँ जी फातिमा। हाँ जी। तो भाई आज हम फिर हमेशा की तरह पहले भाग रहे हैं, रश बहुत हो जाएगा। तो जो लाहौर के अंदर वाले हैं उन्होंने बनाए 176 को, कराची वाले कितने बनाएंगे? तो भाईजान हमेशा की तरह मैच जो है वो आधा देख के हम घर में जा रहे हैं क्योंकि बहुत रश होने वाला है और इसके बाद हमें कन्वेंसी मिलेगी। आज क्या लग रहा है कौन जीतेगा, लाहौर कराची? यार मुझे आज लग रहा है लाहौर वालों को जीतना चाहिए, जो जाना चाहिए, नहीं तो टाई है। कराची वाले हैं और लाहौरियों का शुगल बड़ा लगाते हैं, कहते हैं जी जो कराची है वो टैक्स बहुत ज्यादा देता है, जितना तुम्हारा लाहौर है उतना गुलिस्तान जौहर है, इस तरह के जो मीम्स बनाते हैं लाहौर के ऊपर। तो लाहौर आज जीतना चाहिए बिल्कुल, जो लाहौर कलंदर है बाकी सारे मैच हार जो कराची से लाजमी जीतो। लाहौर कलंदर ने अभी तक बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने एंड में तो छक्के और चौके मारे, पूरा स्टेडियम गूंज उठा था, आपको भी पता है क्या समा था वहाँ पे। हाउसफुल है आज अंदर, ऐसा हाउसफुल है कि जब वहाँ से बाहर निकलेंगे इनको पता चलेगा कि बाहर निकला कितना मुश्किल है। सो उम्मीद आज जो है वो लाहौर जीत जाएगा। हम जा रहे हैं घर वापस क्योंकि रात काफी हो चुकी है। हमें दीजिए अपने साथ इजाजत और नए व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम यहाँ से निकले, अल्लाह हाफिज़।